कलर्स टीवी का पॉपुलर शो एक श्रृंगार स्वाभिमान दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। खास तौर पे इस शो का कॉन्सेप्ट, जिसमें दो बेटियां हैं जिनका नाम मेघना और नैना है। ये दोनों ही बेटियां अपनी माँ शारदा के मान और मर्यादा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हाल ही के एपिसोड्स में आपने देखा है कि मेघना ने ये खुद ठान लिया है कि नंद किशोर को किसी भी तरह से सबक सिखाया जाए, क्योंकि नंद किशोर ने मेघना की माँ शारदा के इंसल्ट जो की थी, कोई भी सबक सिखाने से पहले ही मेघना का पूरा प्लान करण को पता चल जाता है। और प्लान पता चलने के बाद करण कोशिश करता है कि मेघना की सोच को बदल दिया जाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? एक श्रृंगार स्वाभिमान के आने वाले एपिसोड्स में पूरी फैमिली एक अवार्ड शो के लिए जा रहे होते हैं, और इस अवार्ड शो में नंद किशोर को बेस्ट फैमिली मैन का अवार्ड मिलने वाला होता है। और जब इस अवार्ड शो में नंद किशोर अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पर जाता है, तभी मेघना ये खुलासा कर देती है कि नंद किशोर किस तरह से अपनी फैमिली में दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें बेस्ट फैमिली मैन का अवार्ड मिल रहा है। ये बात जब कुणाल को पता चलती है कि उसके पिता की सबके सामने इंसल्ट हो रही है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो करण के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि करण को ये सब चीज पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी करण ने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। और इसी बात को लेकर कुणाल और करण में खूब जमकर बहस होती है। तो अब क्या इस फाइट को लेकर दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दूरियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।